आलू मंचूरियन के लिए 3 से 4 कच्चे आलू, मैदा 1/3 कप ले लिया, चावल का आटा, चावल का आटा ना हो तो कॉर्नफ्लोर या तो अरारोट का आटा, अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर, नमक और रेड ऑरेंज फूड कलर 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, लेना चाहें तो ले वरना योर चॉइस। अब आलूओं को हमें क्यूब शेप्स में कट कर लेना है, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं बट क्यूब शेप्स आई प्रेफर। आलू को हमने काट लिया है सारा, अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर इसको बॉईल करेंगे। इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए बॉईल करना है। थोड़ा सा नमक डाल दो बॉईल करने के लिए, इतना बॉईल करना है कि 1 चम्मच अंदर चला जाए, निकला है लेकिन उतनी टाइटनेस रहनी चाहिए। अब बैटर बनाने के लिए उस मैदा लें, मैदा में राइस फ्लोर या तो कॉर्न फ्लोर कुछ भी डाल दें 2 टेबल स्पून, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून, फिर लाल मिर्च पाउडर डालना है 1 टीस्पून, फिर नमक डालना है 1.5 टीस्पून, जितना भी चाहे। देन एट लास्ट ऐड फूड कलर विच इज़ टोटली ऑप्शनल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यूजिंग लेस वाटर। हमें बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक बनानी है, इतनी कि आलू अच्छे से उसमें कोट हो जाए। यू कैन सी बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम थिक भी है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हमारे आलू यहाँ पे बॉइल्ड हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेंगे यूजिंग अ फोक। आलू हमारे परफेक्टली बॉइल्ड हो चुके हैं, अब इसे स्टेन कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल हीट करेंगे आलू को फ्राई करने के लिए। जो बैटर रेडी किया था उसमें सारे आलू बॉईल किए थे वो डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोट कर लेंगे बैटर में। धीरे धीरे ऑयल में एक एक आलू डालते रहेंगे, उसको फ्राई करते रहेंगे।
राइस फ्लोर डालने की वजह से आलू एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। इतने ही क्रिस्प चाहिए हमें ताकि मज़ा आ जाए। अब बाकी बचे बैटर को भी सेम प्रोसेस के थ्रू रिपीट करते रहेंगे जब तक सारे आलू फ्राई ना हो जाए। आलू हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम इन आलूओं को ठंडा करने के बाद अगेन ऑयल में डालेंगे और रीफ्राई करेंगे ताकि इनका क्रिस्प मेंटेन रहे काफ़ी टाइम तक। आलू हमारे दोबारा फ्राई हो चुके हैं, अब इनकी क्रिस्प बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब सॉस बनाने के लिए हमें गार्लिक लेना है, उसको 3 to 4 क्लोव्स उसको चॉप कर लेना है, एक चॉप्ड अनियन लेना है, वाइट विनेगर लेना है, टोमेटो सॉस लेना है, ग्रीन चिली सॉस लेना है, सोया सॉस लेना है और थोड़ा सा नमक लेना है। अब एक बड़ी कढ़ाई लें, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लें, जब वो अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसमें चॉप्ड गार्लिक डालना है। फिर चॉप्ड अनियन डालना है, स्लो फ्लेम पे सॉस ऐड करेंगे। पहले ग्रीन चिली सॉस डालेंगे 1 टीस्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, देन ऐड टोमेटो सॉस। ये 2 टेबलस्पून डालनी है। थोड़ा सा वाइट विनेगर डालना है, एटलीस्ट 1 टीस्पून। नाउ 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करनी है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लें, थोड़ी देर कुक करें और उसमें नमक डालना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सॉस हमारी रेडी हो गई है कुक होके, अब उसमें जो हमने आलू फ्राई किए थे उसको डाल देंगे। अच्छे से आलूओं को सॉस के साथ मिक्स कर लें और फिर मज़े से खाएं। आवर आलू मंचूरियन इज रेडी टू ईट।